अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समीर थर। मैं आज लोड टेस्टिंग करूँगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यूजिंग जेमीटर टूल। सबसे पहले मैंने जेमीटर टूल अपने पास इंस्टॉल कर लिया है, तो इसका मेन इंटरफेस ऐसे आएगा। टेस्ट प्लान, टेस्ट प्लान की जगह हम कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी। तो मेरा नाम है समीर, मैंने लिख दिया। तो टेस्ट प्लान पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, थ्रेड और थ्रेड ग्रुप। मैं कितने सेकंड पे कितने यूज़र का लोड डालने लगा हूँ। तो 20 सेकंड पे मैं 10 यूज़र का लोड डाल रहा हूँ। तो इनफिनिट लूप, ये कितनी बार ये लूप चले, तो मैं भी इसे रहने देता हूँ। तो थ्रेड ग्रुप पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो ऐड हर सैम्पलर। मैं वेबसाइट पे लोड भेजूँगा थ्रू उसके यूआरएल पे, तो मैंने यूआरएल कॉपी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और लास्ट वाला स्लैश हटा देता हूँ। HTTP ठीक हो गया। तो ये HTTP पहले का लिखा हुआ है क्योंकि प्रोटोकॉल हम वही यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ये रिमूव कर दिया। तो राइट क्लिक किया मैंने, जो हम टेस्ट लोड भेजेंगे हमने उसे लिसन करवाना है कहीं ना कहीं वो टेस्ट पास हो रहा है या फेल। तो लिसनर व्यू रिजल्ट ट्री ये हमने इनेबल कर दिया। तो मैं दोबारा HTTP रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड और लिसनर और समरी रिपोर्ट भी लिसन करवा देता हूँ। जो हमारे पास समरी है वो भी हमें पता चले टेस्ट कितना एरर आया है, क्या हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। तो मैं यहाँ दोबारा HTTP रिक्वेस्ट पे जाके इसको स्टार्ट कर देता हूँ। मैं अभी ये मैंने सेव करवा दिया, से ये हमारा स्टार्ट हो गया टाइमर और 10 यूज़र का मैंने लोड भेजा है। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, मैं जितने भी मैंने अभी तक लोड भेजा वो सारे सक्सेसफुली यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिए। वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई टेस्ट हमारा फेल नहीं हुआ। तो ये किस्म की रिपोर्ट, कोई एरर नहीं आया, सारे उसने इसलिए रिसीव करके हैंडल कर लिया। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सिक्योर है, मतलब इजीली वो 20 सेकंड में 10 यूज़र का लोड बर्दाश्त कर सकती है। तो आज हमने यही देखा।